भारत माता की, भारत माता की। आज इस हॉस्पिटल के 200 बेड से 800 बेड में कन्वर्ट करने के उपलक्ष्य में सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। संजीव जी, जैसा उन्होंने अभी बताया, मेरे पास एक बार नहीं कई बार आए, उनका ये कहना था कि सर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, आपके पास में एक अस्पताल बना हुआ है जहांगीरपुरी में, कोई वहां पर जाता है तो जाने के बाद सबसे पहले क्या कहा जाता है, रेफर कर देते हैं LNJP में, या रेफर कर देते हैं विलिंगडन में, या रेफर कर देते हैं सफदरजंग के अंदर। कारण क्या होता है कि जो छोटे अस्पताल हैं उनके अंदर सारी सुविधाएं नहीं होती, सारे डिपार्टमेंट ही नहीं होते, तो इलाज कम चीज़ों का होता है, रेफरल ज़्यादा चीज़ों का होता है। तो अस्पताल अगर बन भी जाएगा, इसके लिए मैं उन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाया था उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सर आप 200 बेड का अस्पताल अगर बना भी देंगे तो मेरे क्षेत्र की जनता को ज़्यादा सुविधा मिलने वाली नहीं है। अगर एक दिन में एडमिट होने के लिए 100 मरीज आएंगे तो 50 को तो रेफर कर देंगे, तो फ़ायदा क्या मिला। तो बात बिल्कुल जेन्युइन थी, उसके ऊपर विचार किया गया, डिस्कशन किए गए, एक्सपर्ट से बातचीत की गई, तो बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि अगर 500 बेड का अस्पताल बनाए कम से कम, तब सभी सुविधाएं दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। 200 बेड का जनरल अस्पताल बनेगा तो हमने जनरल अस्पताल को कन्वर्ट किया मल्टी स्पेशलिटी में, अब आपको 800 बेड का अस्पताल मिलेगा और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नॉर्मली स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं दो चार चीजें बताना चाहूंगा, आज तक सभी सरकारों ने पिछले 65 वर्ष में दिल्ली के अंदर 10,000 बेड तैयार किए हैं, 65 साल में 10,000 बेड तैयार किए हैं, और हमारी सरकार ने निश्चय किया है आने वाले 2.5 साल में 10,000 बेड और बनाएंगे। जितना काम 65 साल में किया था उतना हम 2.5 साल में करा के दिखाएंगे। सहयोग चाहिए थोड़ा सा आपका, ताकि ऐसा ना हो कि जो 2.5 साल होने से पहले ही कहने लगे कि अब तक क्यों नहीं बने। सर बनने में थोड़ा समय लगता है। अब जैसे आपका अस्पताल है 200 से 800 कर रहे हैं, अगले साल के अंत तक पूरा तैयार करके पूरा स्टार्ट कर देंगे, और पार्टली मतलब इसका कुछ हिस्सा हम जल्दी 6-8 महीने में स्टार्ट कर देंगे। इतना आपसे सहयोग चाहिए, तो डर के बैठेंगे नहीं, डर के काम करेंगे, डर के काम करके दिखाएंगे आपको। जय हिंद, जय हिंद।